देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। दरअसल कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गढ़ताल क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान कानपुर का एक बर्रा निवासी का रहने वाला मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट पर। होटल में साथ ठहरे साथियों ने रामगढ़ताल थाना की पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। दरअसल कानपुर से तीन युवक तारामंडल एक होटल में रुके थे। आरोप है कि रात में ही रामगढ़ की पुलिस होटल में चेकिंग करने पहुंची और होटल के मैनेजर के साथ उस रूम में पहुंची और चेकिंग के नाम पर उस युवक की पिटाई कर दी, जिससे बचने के लिए वो भागा और भागते समय गिरने से उसकी मौत हो गई। वही इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन तारडा ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस होटल में संदिग्धों की सूचना पर मैनेजर को लेकर एक कमरे में चेकिंग करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक कमरे में तीन लोगों की मौजूद होने पर कमरे में जाकर पुलिस चेकिंग करने लगी तथा मनीष नाम का एक युवक गिरकर जख्मी हो गया, जिसको देखते हुए पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई। फिर वहां से डॉक्टरी ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो वही इस घटना की खबर मनीष गुप्ता की पत्नी को मिली तो वह गोरखपुर पहुंची और उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं हत्या है, पुलिस वालों ने मेरे पति को पीट पीट कर मार डाला है। तो वही मीनाक्षी ने पुलिस वाले पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की और बिना FIR के पोस्टमार्टम होने से रोक दिया। इंस्पेक्टर सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबन की जानकारी देने के साथ ही SSP ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। उसके बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुई तो वही मीनाक्षी ने कहा कि उनके पति का मोबाइल पुलिस वालों के पास है, वह उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर भाजपा सरकार को घेरा और ट्वीट कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हाँ, समाजवादी पार्टी ने मेरा सपोर्ट किया, मैं इस बात को बोलूंगी, कल उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो हुआ है बस वही हुआ, वहाँ पर मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया। मीडिया का तो रोल हमेशा रहता, आप लोग बहुत सपोर्ट किया। मीडिया ना करती और आप लोग तो सब तक कैसे पहुँचता, भी सपोर्ट करो। मैंने आप लोग से कल निकलते समय एक बात कही थी, अंत तक मेरे साथ रहे। आप जब तक मीडिया को ऑपरेट करते रहोगे मीडिया आपकी बात लाती रहेगी आगे, जिस क्षण चाहोगे आप, आपके साथ मीडिया है। जिस क्षण तक चाहोगे सभी मीडिया बंधु आपके परिवार के साथ हैं, जब जहाँ चाहोगे आप ये सभी लोग खड़े हैं। लेकिन आप लोग मजबूत रखिए, आपकी लड़ाई मीडिया पूरी लड़ेगी। मीडिया